एलोवेरा जेल बनाने का इतना आसान तरीका आपने शायद ही देखा होगा। बस जैसे जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है उन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आपका एलोवेरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलोवेरा जेल बनाना। एलोवेरा जेल बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा की पत्तियां। मैंने यहाँ पर इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके बाद मैं इनके ऊपर के पार्ट को हटाकर जेल को अलग कर लूंगी इनसे। मैंने यहाँ पर एलोवेरा लीफ में से जेल अलग कर लिया है एक अलग बोल में। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक मिक्सर ग्राइंडर लेकर इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और जूस बनाकर तैयार कर लेना है इसका। अब मेरा जो जूस है वो हो गया है तैयार, मैंने इसे अलग बोल में पलट लिया है। अब इसके बाद में आपको रखना है गैस पर एक पैन और उसमें ऐड करना है ये एलोवेरा जूस और कर देना है गैस की फ्लेम को ऑन और इसे गर्म होने देना है। हमारे जूस में अच्छे से उबाल आने लगा है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर कुछ झाग जैसा इकट्ठा होता जा रहा है। तो हम इस झाग को एक स्पून की हेल्प से अलग कर देंगे। झाग हटाने के बाद में हम एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और अगर इसमें आपको लगता है कि एलोवेरा के मोटे मोटे पीस रह गए तो आप उन्हें भी निकाल दें। आप देख सकते हैं मैंने झाग को एक अलग प्लेट में निकाल कर रख दिया है। अब इसके बाद में 2-3 मिनट बाद में आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच जेलेटिन पाउडर। अगर आपके पास जेलेटिन पाउडर नहीं है तो आप अगर अगर पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच फूड कलर, मुझसे थोड़ा ज्यादा कलर गिर गया है, आप थोड़ा कम भी डालें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप इसे अलग बोल में पलट लीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही। और 2-3 घंटे के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो एलोवेरा जेल है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसे आराम से जिस तरह से नॉर्मल एलोवेरा जेल को अप्लाई करते हैं उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है ये हमारी स्किन में, आप देख ही सकते हैं। आप भी बनाइए इस एलोवेरा जेल को और मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।